हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की ड्राइंग मैं कैंसिल शीट के ऊपर करने वाली हूँ, जो कि 300 GSM की A5 साइज शीट है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, गणपति पापा जी के दिन चल रहे हैं, तो आज मैं उन्हीं की ड्राइंग करने वाली हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस ड्राइंग के लिए मैं डॉम्स ऑयल पेस्टल का यूज़ करने वाली हूँ, जो कि 50 शेड्स का पैक है। सबसे पहले मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ आईब्रो को बनाने के लिए। उसके बाद मैं डार्क ग्रे यूज़ कर रही हूँ। जहाँ पर मुझे डार्क एरिया दिख रहे हैं वहाँ पर मैं डार्क ग्रे कलर का यूज़ करूँगी। जहाँ पर ज़्यादा डार्क एरिया है वहाँ पर कलर को थोड़ा प्रेशर के साथ अप्लाई कीजिएगा। जहाँ पर मीडियम डार्क है वहाँ पर थोड़ा कम प्रेशर, और जहाँ पर बिल्कुल ही लाइट एरिया है वहाँ पर आप लोग कलर मत ही कीजिएगा, उस एरिया को छोड़कर चलेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग देखते रहिए कंप्लीट वीडियो की कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप कलर अप्लाई कर रही हूँ। ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ ईयर्स के लिए। मैं सिर्फ रेफरेंस पिक को देखकर ही पूरी ड्राइंग करने वाली हूँ। जहाँ जहाँ पर मुझे जो जो कलर दिख रहा है मैं वो डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ। आप लोग का पिक का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं रेफरेंस पिक। अब मैं एक ब्लैक कलर के साथ बाउंड्री दे रही हूं। ब्लैक कलर हो सके तो आप लोग कम ही अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि वो काफी डार्क रहता है। देखिए, जहाँ पर मुझे लाइट एरिया लग रहा था मैंने व्हाइट कलर अप्लाई कर दिया है, व्हाइट ऑयल पेस्टल। मैं क्लीन कॉटन बड की मदद से कलर को ब्लेंड करूंगी। देखिए, मैं व्हाइट वाला पोर्शन सबसे पहले ब्लेंड कर रही हूँ। बट को ज़्यादा प्रेशर के साथ यूज मत कीजिएगा।
देखिए जिस पोर्शन में मुझे वाइट एरिया ज़्यादा दिखाना है मैंने वहाँ पे दोबारा से ऑयल पेस्टल का यूज़ कर लिया है वाइट वाले, और उसे बिल्कुल स्मूथ हैंड से ब्लेंड कीजिएगा, ज़्यादा प्रेशर मत अप्लाई कीजिएगा। देखिए अब मैं ऑरेंज कलर को ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत स्मूथली ब्लेंड करना है। जो शीट इस ड्राइंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहां से जाकर खरीद सकते हैं। देखिए ऑरेंज कलर के लिए मैंने एक अलग से बड यूज़ किया है, और वो ऑरेंज वाला जो मैं बड यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज कलर को ब्लेंड करने के लिए, वो मैं ब्लू पर अप्लाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उससे हमारे कलर आपस में मर्ज हो जाएंगे और वो देखने में बहुत बुरा लगेगा। ज्वेलरी पार्ट अभी मैंने छोड़ दिया है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुकुट में मैं सबसे पहले व्हाइट कलर अप्लाई करी, उसके बाद मैंने लेमन येलो कलर अप्लाई किया है। इसको भी मैं कॉटन बड की मदद से ब्लेंड कर दूंगी। पहले पार्ट में मैंने थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर का यूज़ किया है, इसको भी मैं ब्लेंड कर दूंगी प्रॉपरली। देखिए ब्लैक कलर मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने क्लीन बड की मदद से ब्लैक कलर को कम कर दिया है थोड़ा। और हाइलाइट्स दिखाने के लिए मैंने वाइट कलर का यूज़ किया है। अब डिटेलिंग के लिए मैं ब्लैक कलर पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। मैंने आईज के नीचे थोड़ी सी ब्लैक कलर पेंसिल के साथ शेडिंग कर दी है, और ब्राउन कलर मैं आईज में यूज़ कर रही हूँ।
जहाँ पर भी मुझे थोड़े बहुत हाइलाइट्स दिखाने हैं वहाँ पे मैं वाइट कलर पेंसिल का यूज़ करूँगी। शेडो के लिए मैं ऑरेंज कलर का यूज़ कर रही हूँ। ब्लैक कलर पेंसिल के साथ मैं एक बाउंड्री सी क्रिएट कर दूंगी जिससे कि देखने में अच्छा लगे। बस फ्रेंड्स आप लोग रेफरेंस पिक को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा और भी आपको लग रहा है कि एक शेड आना चाहिए तो वहाँ वहाँ पर आप कलर अप्लाई करते जाइएगा। देखिए मैंने ईयर्स को भी हाईलाइट कर दिए और ब्लैक कलर पेंसिल से शेडो दिखा दिए। ब्राउन कलर से मैं ज्वेलरी में डिज़ाइन दे रही हूँ। मैंने ब्लू कलर का यूज़ किया है आईज में। आप लोग ऑयल पेस्टल के ऊपर कलर पेंसिल का इजीली यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। मैं ऑरेंज कलर के साथ थोड़ी सी शेडो दे रही हूँ। मुझे ब्लू कलर कम लग रहा था तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा ब्लू कलर और ऐड ऑन किया जाए। देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से मैं ब्लू कलर कर रही हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना। मुकुट पर भी मैंने ब्राउन कलर के साथ शेडिंग दे दी है। मैंने सूंड पर ब्राउन कलर पेंसिल के साथ लाइंस बना दी हैं।
जहाँ पर मुझे लग रहा था कि ऑरेंज कलर ज़्यादा दिखाना है, वहाँ पर मैंने ऑरेंज ऑयल पेस्टल का यूज़ किया है। और फिर से हाईलाइट के लिए मैं वाइट कलर पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। मैं ज्वेलरी के लिए ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ। बैकग्राउंड के लिए मैं मीडियम येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने डार्क ऑरेंज कलर का यूज़ किया है। और थर्ड मैंने रेड कलर का यूज़ किया है। मैंने इसे फिंगर से ब्लेंड कर लिया है। आप चाहें तो कॉटन बड का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मुकुट को दिखाने के लिए मैंने ब्लू कलर से बाउंड्री क्रिएट की है। कहीं कहीं पर मैंने ऑरेंज कलर की शेडिंग दिखा दी है। मैंने वाइट एक्रिलिक कलर का यूज़ किया है कहीं कहीं पर। फ्रेंड्स ये मेरे पास पुराना पेन था जो ख़त्म हो चुका है। मैंने इसे एक बाउंड्री क्रिएट करने के लिए यूज़ किया है। आप लोग चाहें तो स्क्रैच टूल का भी यूज़ कर सकते हैं।
देखिए गणपति जी की ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर ड्राइंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली ड्राइंग्स की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।